वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। देखिए मैं आप लोग को सॉक्स ना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे ये मोटी वाली ऊल ली है। स्किन कलर का ऊल है, काफ़ी बहुत ही मोटा है। और सॉक्स के लिए फ्रेंड्स आप मोटी ऊल का ही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इसको बना के किसी बुजुर्ग को या अपनी सासू माँ को भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंगूठा बना लिया है। ये मोटी ऊल है इसलिए मैंने यहाँ पे 35 फंदे रखे थे। अगर आपके पतले ऊल हो तो आप 45 या 40 फंदे रख सकते हैं। तो जिसमें मैंने देखिए यहाँ पे 12 फंदे मैंने अंगूठे के लिए बना लिए हैं। 10 से 12 सिलाई की नीटिंग भी कर ली है। अंगूठा तो सिंपल सिंपल बनता है, लेकिन अब चलिए हम पंजे वाला पोर्शन बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हम एज स्टिच उतार लेंगे। और देखिए सेंटर में आने के बाद हमने 3 फंदों का एक करना है। ये पंजे वाला पार्ट बन रहा है। तो पंजे वाले पार्ट को फ्रेंड्स आप पहले बना लें, अरे सॉरी, अंगूठे वाले को, फिर पंजे वाले पार्ट, दोनों साइड का फंदा हमने काउंट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेंटर में आ गए हैं। तो सेंटर में हमने 3 फंदे, यानी हमारे बराबर फंदे होने चाहिए दोनों सिलाई पे, एक एक्स्ट्रा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। तो इन दोनों फंदे को हम इस पे उतार लेंगे और ये पहले फंदे को इस पे लेंगे, फिर इसको हम ऐसे इस पे चढ़ा लेंगे और इन तीनों फंदे को हमने सीधा सीधा बुन देना है। ये देखिए, और ये सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टे की साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, फिर सीधे साइड, ऐसे ही हमारा ये चैन बनेगा। तो चलिए हम इतना बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेंटर में 3 फंदे का एक किया था, फिर हमारा ये सेंटर में ही फंदा रहना चाहिए। फिर हम इन दोनों फंदों को इस पे उतार लेंगे और ये आगे वाला फंदा पहले करेंगे, फिर इसको इस पे ऐसे उठा लेंगे, फिर यहाँ से 3 फंदे का हम एक कर देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे एक चोटी बनती गई है और सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे घटाते घटाते जब हमारे यहाँ पे देखिए टोटल 1, 2, 3, 4 10 से 12 फंदे बच जाएं तो आप इसको घटाना बंद कर दें। अब देखिए हम दोनों सिलाई पे बराबर फंदे लेके इसको हम ऐसे देखिए उल्टे की साइड हम पलट लेंगे। अब हमने इन फंदों को बंद करना है। तो आपने एक तीसरी सिलाई लेनी है और इन फंदों को हम ऐसे बंद कर लेंगे। ये मोटी ऊल है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 फंदे रखे हैं। पतली ऊल रहे तो आपने 14 फंदे पे ही छोड़ देना है। देखिए अब इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर करके लाएंगे और बहुत इजी ये वूलन सॉक्स हैं। आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी डिजाइन वूलन सॉक्स की बताई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये एकदम सिंपल है और सारी सॉक्स मेरी डिजाइनर बनी हुई है। ये देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊन को कट करेंगे। ऊन को आपने थोड़ा बड़ा ही कट करना है क्योंकि हमने सिलाई इसी से करनी है। तो आपने अपने हिसाब से ऊन की कटिंग कर लेनी है। देखिए इसके फंदे के बीच से हम यहाँ पे ऐसे इसको निकाल देंगे। अब देखिए हमारा ये पंजा बहुत ही अच्छा बनकर आया होगा। ये देखिए 5 से 6 नंबर के लिए मैंने बनाया है और ये देखने में अभी छोटा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है और बहुत मोटी ऊल है। तो अब देखिए हम अंगूठा वाला पार्ट कैसे बनाएंगे। अंगूठे के लिए मैंने 10 से 12 सिलाई ली और फंदे रखे थे।
और यहाँ पे देखिए 5, 8 से 10 सिलाई बुनकर सीधा सीधा मैंने 12 फंदों को फिर सारे फंदों का 2 का 1 कर लिया। तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे बचे हैं, 12 के 6 फंदे। तो अब इनको हम देखिए ऐसे सुई में ले लेंगे 12 फंदे को, सॉरी 6 फंदे को। यह अंगूठा बनाने का हमारा सबसे सरल तरीका है, इससे हमारे अंगूठे की गोलाई आती है। ये देखिए अब हम उल्टा साइड ऐसे कर लेंगे ऐसे को, देखिए अच्छे से इसकी यहाँ पे टक कर लेंगे ताकि यहाँ पे होल ना हो, इसलिए इसको हम अच्छे से यहाँ पे टक कर लेंगे। तो देखिए ये अंगूठे की हमने इतनी सिलाई कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी सिलाई कर लिया यहाँ पे और यहाँ पीछे की साइड से भी सिलाई कर लिया। अब इसको हम सीधा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत बनकर आई, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही इजी है बनाना। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।